अल्हम्दुलिल्लाह इंडिगो शर्दी है, इसको हमने गार्निशिंग भी कर दी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्टी फूड में आप सबको खुश आमदीद। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं घर के लिए टिंडे गोश्त बना रही थी तो सोचा ये रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर कर लूँ। मिट्टी की हांडी में मैं बना रही थी, तो मिट्टी की हांडी में बनने वाला हर खाना आपको पता है बहुत टेस्टी होता है। तो ये बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन पुश करें ताकि आप मेरी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने एक पाव जितना मटन लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। 3-4 लहसुन के जवे लिए हैं और थोड़ी सी अदरक ली है, साबुत ही काट लिए, और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज आपने इस तरह से कट कर लेने हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पर पानी बॉयल होने चढ़ाया हुआ था और इसके अंदर 1/2 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला हुआ था। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसके अंदर प्याज, मटन और लहसुन अदरक डाल देंगे। तीनों चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। 1/2 देखिए जितना पानी था और पानी बॉयल पे चढ़ा दिया था नमक डाल के। अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए गोश्त को गलने देना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी क्या डालना है इसके अंदर। 1 घंटा गुजर चुका है, गोश्त तकरीबन गल चुका है, पानी थोड़ा सा रह गया। अब हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। 1 टमाटर लिया मैंने, वन टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 2 पिंच मैंने हल्दी ली है, और 1/4 टीस्पून गरम पिसा गरम मसाला लेना है। वो मसाले भी हम ऐड कर देंगे। मसाले मैंने ऐड करनी है। अब मैं ऑयल डाल दूँगी। 1 घंटे के बाद हमने इसके अंदर ऑयल, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून पिसा गरम मसाला, 2 पिंच मैंने हल्दी और 1/2 प्याली से थोड़ा कम मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको फुल फ्लेम पर हमने इसको ड्राई करना है और इसको अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल ड्राई होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है। ठीक है, अब हम टिंडे और ऐसे 2 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे इसके अंदर और साथ में इसको भूनेंगे। साथ साथ हमने टिंडे को भी भूनना है। हाई फ्लेम पे भूनना है इसको। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से हमने भून लिए और भूनते में ही जो टिंडे हैं वो गल चुके हैं, ये देखें। अब आपने इसके अंदर इतना पानी डालना है यानी कि जितना आपको इसकी करी रखनी है, इसका शोरबा रखना है। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इतना पानी डाल दिया जितना मुझे शोरबा चाहिए, और 5 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि इसका ऑयल भी अच्छे से निकल आए और जो पानी है वो बॉयल हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर गार्निशिंग कर देनी है और टिंडे गोश्त रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह से सालन रेडी है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ये देखें अभी तक मिट्टी की बर्तन में पक रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमने डिश आउट कर दिया है, अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर गरम मसाला डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर धनिया छिड़केंगे।